सबसे पहले यू नो व्हाइल वाचिंग द फिल्म नाम में यू नो योर नेम वीरा यस या मैंने वो थोड़ा लाइक आई चेंज आई बैलेंस्ड माय नेम मेरे किसी स्पिरिचुअल एडवाइज़र ने उन्होंने बोला सो लाइफ हैज़ बिन गुड सिंस देन मोर पीसफुल सो वेरा ऐड किया है ऑफ कोर्स वीरा वेरा जो कह सकते हो सो इट जस्ट बैलेंसेस माय दैट्स ऑल इज इट मोर स्पिरिचुअल और इज इट मोर न्यूमरोलॉजिकल बोथ एक्चुअली बोथ हम सब लोगों की एक फ्रीक्वेंसी होती है तो वो फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए मुग्धा गोडसे था ही बट वेरा ने थोड़ा और अच्छा कर दिया थोड़ा और पीस आ गया इट्स अ एड सो देखो वी डोंट बिलीव इन एडिंग मुग्धा ए चार ए एंड गोडसे में दो ओ डाल दिए और ऐसा सो एक नाम ऐड कर दिया सो इट जस्ट मेक्स इट मोर aesthetically correct also. You've also gone into production with this particular film. What was it that actually attracted you? Maybe was it the script or was it something you just wanted to get I back? Just like because when he came with me the script definitely knew this has to be played by the other girl's character has to be her and the producer aspect just came along knowing this is a new platform digital platform hai and just thought ki okay let's co-produce it and you know at least take it to that level and just as an actor just want to do good work so I thought let's support it and do it so that's the whole agenda there's nothing major Okay, you know, film is very promising, especially you know the climax. हाँ जी. Where you come to know that she is your daughter, or she comes to know that you are mother. Okay. ये कैसा experience रहा आपका और एक अलग अवतार में देखने को मिला आपको जी. You know, जो आपने कभी नहीं किया होगा एक जी. Astrologer और इस तरह से आपका हाँ you know, आपका look आपका costume जी, जी, जो जी. आप कैसे series जी सो सी दैट्स वॉट द इंट्रीगिंग पार्ट ऑफ द होल स्टोरी जब उन्होंने मुझे सुनाया इट वॉज समथिंग डिफरेंट एंड जैसा ये डिजिटल माध्यम है उसमें ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है बहुत सारे ऑडियंस देख सकते हैं पहले हम हमेशा थिएट्रिकल की थिएटर में कौन लोग देखने जाएंगे तो अभी ये टेंशन नहीं है यू कैन जस्ट वॉच इट ऑन योर मोबाइल और इन लैपटॉप सो ये इट्स यू कैन एक्सपेरिमेंट सो हमने ये किया एक्सपेरिमेंट एंड मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी एंड इवन शी एंड आई वर डिस्कसिंग ड्यूरिंग द शूट कि ये बहुत एक अलग एंड नाइस एंड हम लोगों ने लाइक आई हैव नॉट प्लेड सच कैरेक्टर तो आई थिंक इट टर्न्ड आउट वेल एंड दैट्स व्हाट लीव्स एवरीबॉडी विद एक्साइटमेंट तो क्यों ऐसा क्यों नहीं करा गया क्योंकि फिल्म आपने बनाई है हाँ जी रॉयल स्टैग फिल्म फेस्टिवल है और भी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है जहां पे फिल्में इस तरह की शॉर्ट फिल्म जाती हैं वेब सीरीज की डिजिटल प्लेटफॉर्म की मैं बात जी. कर रहा हूं वहाँ क्यों नहीं लेके गए डेफिनेटली हम करेंगे अभी तो बनी है एंड देन हंगामा प्ले शोड इंटरेस्ट सो इट्स स्ट्रीमिंग ऑन हंगामा प्ले टुमारो 12 o'clock ऑनवर्ड्स सो अभी तो शुरुआत है सो डेफिनेटली इट विल गो टू ऑल द फेस्टिवल्स विल डेफिनेटली टेक पार्ट एंड इट विल गो वर्ल्ड वाइड यस Your mark? Oh, it's in a heart. Question for all three of you. Like, Mugdha, you're playing a crystal gazer. Yes. Have you actually gone and done any of this? Because Bollywood actors have always really focused a lot on numerology, astrology. जी जी सी ये जो किरदार था क्लेयर वॉइंट वी कैन कॉल इट ये ना इंडिया में थोड़े एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग उसमें ज़्यादा प्रभाव है ये क्रिस्टल है लेकिन इट्स मोर ऑफ लाइक इट्स वेरी रेयर बट ऑफ कोर्स मैं सब जगह गई हूँ आई लव दिस फील्ड एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड आई ट्राई एंड डू ट्राई माई हैंड एट टैरो विथ माई फ्रेंड्स ऑल्सो सो आई कीप doing all this and I believe in this that's what have you ever been to a crystal gazer or a clairvoyant of course astrologer to gayi hongi astrologer I have we of course have a guruji we have a family guruji who looks after our things but not really I think it's mom's department more than my department to be honest so not really Akhinda, since you also you said that you've been to a clairvoyant also what have your experiences been and what have you picked up from your experiences into the get up you had एक्सपीरियंसेस सी यहाँ ये थोड़ा हमने फिल्म लिबर्टी लिया है इतना ड्रेसअप नहीं होते बट हमारे डायरेक्टर को थोड़ा चाहिए था तो हमने किया है बिकॉज यू नो इट लुक्स नाइसर बट नॉर्मली ऐसे नहीं होते नॉर्मल रहते बट यस ऑफकोर्स व्हेन जब भी मैं किसी से मिली हूँ
ऑटोमेटिक अरे आ गया ऑटोमेटिकली ना पॉजिटिव चीज़ें मैं याद रखती हूँ, जो अच्छा बोला नहीं है वो निगेटिव है मैं छोड़ देती हूँ. सो यू नो इट वर्क्स, मैनिफेस्टेशन वर्क्स एंड ओनली गुड थिंग्स हैपन. सो नॉट दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी, लेकिन बहुत ऐसे किस्से हुए हैं जिससे यू नो कुछ किसी ने कुछ बोला है वो हो गया है, और मैनिफेस्टेशन आई हैव एक्सपीरियंस. सो दीस थिंग्स आर डेफिनेटली देयर, ऑफ कोर्स इफ यू बिलीव देन दे आर देयर. ओके, टू द डायरेक्टर, यू नो जब आप गए सब्जेक्ट को लेके, डू यू आर यू प्रिपेयर कि ये हो जाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट एंड व्हाई यू थॉट टू बी इन विद टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट विद मुक्ता एंड व्हाट वाज हर रिएक्शन. शी इज़ अ डियर फ्रेंड एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग. तो पहले जब मेरा ये स्टोरी है तो मुझे मेरे मन में इनका ही ख्याल आया एंड आई वेंट टू हर. सो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगा कि हाँ हो जाएगा करके. ओके मुक्ता, इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब आप प्रोड्यूसर बन गई हैं. हाँ जी. और कितना मुश्किल होता है बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग एन एक्टर? सी, प्रोड्यूसर बनने का एक सबसे फ़ायदा होता है कि अपने आप को कास्ट कर सकते हो, यू नो. सो यू डोंट हैव टू वरी. बट जोक्स अपार्ट, इट्स अ डिफरेंट फील्ड. एंड आजकल इफ़ यू प्रोड्यूस एंड यू हैव अ डायरेक्टर लाइक दिस, इट्स ईजी. It's you can get things to quicker to the audiences, and it's just that part, nothing else. Abhi if we get good money, why not? But of course the main thing is to do good work, and hamare andar ka jo acting ka jo hunar dikhana hai uske liye just finding ways and creating opportunities. Yeah. Okay, next work. Once you're done with this, next work? Next, we want to do a few more episodes of this, if possible, we are thinking. And then, definitely, I'm concentrating on doing a Marathi film. It's been happening since very long, but aaj humne decide kar liya hai ki karenge. So, will very that soon. Be a production or will it be? That I've not yet decided, but definitely karni to hai. Like, I've been talking about it, we planned to do it, but then... Rajiv Patil, everybody knows. So I guess definitely this is time to do a Marathi film. So many good Marathi films are coming. She's also coming, but and I have found a script for myself which I wanted to do. So you guys will very soon will see that. Yes. Thank you so much. Thank you. क्योंकि एक दृष्टि नाम है तो वैसे दूर दृष्टि रखती हैं आप. आपने पिक्चर देखी नहीं ना अभी? हाँ, अभी देखोगे देन यू विल नो. बट यस, दृष्टि एक मेरे किरदार का नाम है एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ मेटाफर फॉर द होल फिल्म आल्सो, बिकॉज वो एक क्रिस्टल गेजर है, क्रिस्टल में देख के भविष्य बताती है. यस, सो वंस यू सी इट यू विल नो. लेकिन इसलिए दृष्टि वो एक मेटाफर है और उसका नाम भी दृष्टि है. सो दैट्स टू थिंग्स. वन लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी. Since it's drishti, what is your foresightedness towards love, relationship and marriage in the future? जैसा सभी को पता है, इट्स ऑलवेज वी ऑलवेज ऑन फॉर लव एंड मैरिज एंड रिलेशनशिप ऑलवेज फॉल आफ्टर दैट. सो आई एम इन अ हैप्पी स्पेस. सो इट्स ऑलवेज नो प्रेडिक्शन. आई थिंक दीज थिंग्स वन शुडंट प्रेडिक्ट, इट शुड जस्ट गो विद द फ्लो. सो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच. शूट करें. अच्छा शूट. हाँ हाँ. आप देखो, यू हैव टाइम ना? हाँ, अभी बता. 15 मिनट. अरुण, बिना फिल्म देखे तू दृष्टि पे टिप्पणी कर रहा है. तू ना देखा है? Now you know. Once you see it. Thank you. पहले देख तो ले. हम देख के हैं, पहले हमने फिल्म देखी है. बिल्कुल नहीं सर. सर देखने सर, मैं कल ही देखने आया हूँ सर. ऐसे ही मतलब मुझे बता दोगे यार तुम लोग. रियली गुड टू सी यू. यू नो वी हैव सीन द फिल्म एंड इट इज फैंटास्टिक, स्पेशली द प्लैनेट. ओके, या इवन आई लाइक द एंड. हां, आई लव द एंड. इट्स लाइक रियली क्वर्की. डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट? या आई थिंक इट्स अ फैब स्टार्ट, बिकॉज़ यू नो व्हाई, आई सिंसियरली फील दैट एनीथिंग एज इंट्रीगिंग, लाइक द एंडिंग इज लाइक अ इंट्रीगिंग एंडिंग. एनीथिंग विद अ इंट्रीगिंग एंडिंग you can develop into whichever way you want.
You know, so it's like, are they mother and daughter? What is the connotation? You know, so it's a very beautiful, I love the end. Okay, it means there are possibility of 1, 2, episode 3, it will go like that. I think it can be a series. It can be anything. That's what I'm saying. It can be, depending on whoever the creative is on this, the writer, director, whoever, they can all conglomerate and, you know, think how to sort of take this forward. They can, but they can take it forward in any way possible. There are so many platforms, jump digital platforms to talk, there are so many. Royal Stag, there are so many. When we talk about app series, when we talk about digital films. Sir, actually, no, I am not very aware. I am on the other side of the camera, so I don't know what are the platforms. I only know that if there is a script, whether I should read. And so I can't say. But now you are pointing out, if there are better things, then they should have taken it. I have no idea. As an actor, I mean, I don't know. I can't comment on that. But what I can see as an actor clearly is that it can be developed in any way possible, any manner possible. And maybe it's good it's come out this way, because I mean, I've just done a series for Alt Balaji called The Test Case. It was released on the 26th of Jan. We are in March. I had a great time doing it. And I think, jaise Alt hai, waise hi Voot hai. Jaise Voot hai, waise hi Amazon hai. Amazon hai, and Netflix hai. Aise kai cheeze hai is waqt, you know. To ye series ke taur pe, you know, kai baar wo अभी क्योंकि इतनी ज़्यादा सीरीज कुछ बनने लगी हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि क्या है भाई. सो समटाइम्स द स्टार कास्ट इज इनफ, समटाइम्स इफ यू शो समथिंग लाइक दिस इज डेफिनेटली मोर देन इनफ आई थिंक, यू नो व्हाट आई मीन. सो आई थिंक वो भी एक तरीका है जो आप बोल रहे हैं, बट अगर कोई क्लियर है कि यार सीरीज ही बनाना है, देन दिस इज द बेस्ट वे आउट ना. इफ यू हैव द मनी एंड यू मेक इट एंड हैव अ स्क्रीनिंग, हैव 10 स्क्रीनिंग्स, इट्स ओके. Thanks.